नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल स्कॉलर्स स्कूल में। तो आज की हमारी चर्चा है मानव प्रकृति। आयुर्वेद में त्रिदोष का सिद्धांत कहा गया है, इसके विषय में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो मानव की जो मूल प्रकृति होती है वो कितने प्रकार की होती है? आयुर्वेद में तीन प्रकार की, मुख्यतः तीन प्रकार की मूल प्रवृत्ति मानव की बताई गई है, वात, पित्त और कफ। वैसे जो इनके अंदर द्वंद्वज प्रकृतियाँ भी बताई गई हैं तो सात प्रकार की हो जाएंगी, लेकिन हम यहाँ पे मुख्य जो प्रकृति होती हैं तीन, उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो वात, पित्त, कफ त्रिदोष बताए गए हैं ये आयुर्वेद में। प्रत्येक व्यक्ति में ये मौजूद होते हैं, शरीर का स्तंभ इनको कहा गया है, जीवन का आधार है, इनके बिना जीवन संभव नहीं है। इनको दोष उस अवस्था में कहते हैं जब ये अपनी साम्यावस्था से बढ़ जाता है या घट जाता है, तब उसको दोष का नाम दिया गया है, क्योंकि तब ये हमारे शरीर में विकार उत्पन्न करते हैं। तो इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति की वात, पित्त, कफ तीन प्रकार की प्रवृत्ति होती है। जिस व्यक्ति में जो दोष प्रबल होता है, जो दोष ज़्यादा पाया जाता है, वही उसकी प्रकृति होती है। तो अगर कोई व्यक्ति वात प्रकृति का है या कफ प्रकृति का है तो वो कैसे बैलेंस करके रख सकता है अपने दोषों को? तो उसके लिए क्या, अगर किसी की प्रकृति कफ है तो उसको क्या ठंडी चीज़ें नहीं लेनी है, ठीक है, या फिर किस टाइम लेनी है, विरुद्ध आहार नहीं लेना, उसको अपना आहार विहार मेंटेन करके रखना है, नियमित दिनचर्या रखनी है, नियमित योग अभ्यास करने हैं। अगर वो इन सब का पालन करता है तो अपने जो भी दोष उसके कुपित हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, उनको बैलेंस करके रख सकता है और स्वस्थ रह सकता है। तो अब बात करते हैं कि सबसे श्रेष्ठ प्रकृति मनुष्य की कौन सी होती है। तो वात, पित्त, कफ में जो कफ प्रकृति बताई गई है, अकॉर्डिंग टू चरक संहिता का हम यहाँ रेफरेंस दे रहे हैं, कफ प्रकृति सबसे श्रेष्ठ होती है और इससे होने वाले रोगों की संख्या 20 बताई गई है। उसके बाद जो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं वो मध्यम प्रकृति के होते हैं और इससे 40 प्रकार के रोग लगभग होते हैं। उसके बाद जो सबसे निकृष्ट प्रकृति जो बताई गई है वो वातज प्रकृति है और इससे सबसे ज़्यादा 80 प्रकार के रोग लगभग वात प्रकृति वाले व्यक्ति में पाए जाते हैं या होने की संभावना होती है अगर उसका वात दूषित होता है। तो आज हमने चर्चा किया त्रिदोष क्या होते हैं, मानव प्रकृति। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम कैसे पहचानें कि हमारी क्या प्रकृति है। तो अगली वीडियो हम इसके लक्षणों के बारे में बताएंगे, वात के लक्षण, पित्त और कफ के लक्षण, जिससे आपको आसानी होगी अपनी प्रकृति के बारे में जानने में और आप अपने जो दोष हैं उनको बैलेंस रख पाएंगे। और अगर आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।